केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन पीएम मोदी से 1,00,000 करोड़ का हिसाब मांग रहे थे। मैं हिसाब लिखकर आया हूं, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता दीजिए। जिस कांग्रेस और लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे हैं, उनकी यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 तक झारखंड को 10 साल में 84,000 करोड़ देने का काम किया था। पीएम मोदी ने 2014 से 2024 के बीच 3,08,000 करोड़ रुपए झारखंड देने का काम किया। झारखंड के विकास के लिए सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी, वो मोदी जी से 1,00,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक, यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया, आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया, और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।